हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है टेक डोज। तो टेक डोज के अंदर हम आपको डेली न्यूज़ पोस्ट करेंगे। इसमें हम आपको तरह तरह की डेली न्यूज़ देंगे। इसके अलावा जो हम पहले से वीडियो अपलोड करते चले हैं तो वो तो हमारा रहेगा ही, जैसे कि एप्लीकेशन के रिव्यू या फिर सॉफ्टवेयर का रिव्यू या फिर किसी गैजेट का रिव्यू, तो ये भी हम करते रहेंगे। साथ में हम इस सीरीज को भी अब लेके चलेंगे। तो इस टेक डोज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फोन के बारे में जिसमें आपको स्क्रीन पे ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अगर आज से हम पहले देखें तो अभी तक हमें केवल बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था या फिर हमें फ्रंट फोन के डाउन साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, लेकिन फ्रेंड्स इस फोन में आपको बिल्कुल स्क्रीन पे ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं अंडर डिस्प्ले हमको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो ये है वीवो का X20+UD। ये फोन अभी तक तो केवल चाइना में लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में 29 मार्च तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके अदर फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले की बात कर लें तो फ्रेंड्स यहां पर हमें डिस्प्ले मिलती है 6.43 इंचेस। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर डिस्प्ले हमें काफी बड़ी मिल रही है, और वो भी फुल HD सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है इसकी। और साथ ही अगर हम बात करें इसके कैमरे की तो फ्रेंड्स यहां पर हमें डुअल कैमरा बैक साइड में मिल जाता है, जो कि है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। तो यहाँ पर हमें ऑटो फोकस, इसके साथ में जो ब्लर वाला ऑप्शन मिलता है हमें बोके ब्लर, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर हमें फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर हमें 4GB रैम मिलती है, जो कि है स्नैपड्रैगन 660। साथ ही अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 3900 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है न्यूगेट 7.1.1। साथ ही यहाँ पर हमें हाइब्रिड डुअल सिम कार्ड भी दिया गया है, जिसमें आप या तो फिर अपनी एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी डुअल सिम कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मेमोरी की स्टोरेज की तो यहाँ पर हमें 128GB इंटरनली स्टोरेज मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर हमें 4GB रैम भी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है, जिसमें हम 256GB तक की मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सबसे बेस्ट इसका फीचर मिला है वो यही मिला है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि अंडर डिस्प्ले है। तो फ्रेंड्स अभी तक जितने भी फोन आए हैं किसी भी फोन में फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले नहीं आया है। ये सबसे पहला फोन है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले दिया गया है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।